हेलो फ्रेंड्स, सिमिरोमा किचन डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक बर्तन में 200 ग्राम आटा, 2 बड़े चम्मच देसी घी, थोड़े से चिली फ्लेक्स, बारीक कटी हुई हरी धनिया और नमक डालकर इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पूरी की तरह आटा तैयार करेंगे। आटा हमारा तैयार हो गया। अब इसके ऊपरी सतह पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसको हल्का भून लेंगे। अब इसमें मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसको हल्का भून लेंगे। अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। सब्जियों में मैंने शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स और पत्ता गोभी डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़े से स्वीट कॉर्न डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। 1/2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और 1 टेबल स्पून टमेटो सॉस डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मोजरेला चीज़ डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और उसको बेल लेंगे। इसको चारों तरफ से बराबर बेलेंगे। अब हम एक कटोरी की सहायता से इसकी 2 पूड़ियाँ कट कर लेंगे और इसकी साइड्स को हटा देंगे। अब हम एक पूड़ी निकालने वाला हत्था लेंगे और इसकी सहायता से एक पूड़ी पर डिजाइन बना लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी डिजाइन बनकर आई है। अब हम दूसरी पूड़ी पर पानी लगा लेंगे और इस पर स्टफिंग रख लेंगे। अब हम डिजाइन वाली पूड़ी के पीछे वाले भाग पर पानी लगा लेंगे और इसको स्टफिंग वाली पूड़ी पर रखकर अच्छे से चिपका लेंगे। इसकी साइड्स को अच्छे से चिपका लेंगे ताकि ये फ्राई करते हुए खुले ना। अब हम एक फॉर्क लेंगे और इसकी सहायता से किनारों पर डिजाइन बना लेंगे। अब हम चाकू की सहायता से इसको हाथ पर उठा लेंगे। ये लीजिए हमारी डिजाइनर कचौड़ी तैयार है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम कचौड़ियों को इसमें फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर लेंगे। इनको बीच बीच में पलटते रहना ताकि ये ऊपर नीचे अच्छे से सिक जाएँ। ये लीजिए हमारी लाजवाब चीज़ स्टफ कचौड़ियाँ तैयार हैं। आप इनको चाय के साथ इंजॉय करें। बाय।